नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। आगरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 9 जुलाई को होने वाली रन फॉर एनवायरनमेंट की जानकारी दी गई। जनसाधारण के हृदय में स्वच्छता व पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने की भावना का जागरण करने हेतु एबीवीपी द्वारा अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आगरा शहर के मुख्य मार्ग एमजी रोड पर छात्र छात्राओं के एक विशाल समूह द्वारा रन फॉर एनवायरनमेंट नामक पर्यावरण संदेश यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा स्पीड कलर लैब से प्रातः 6:30 बजे प्रारंभ होकर आगरा कॉलेज तक पहुंचेगी। इस यात्रा में छात्र छात्राओं को एक विशेष ड्रेस कोड प्रदान किया जाएगा, जो कि एक पर्यावरण की जागरूकता का संदेश देगा। एबीवीपी पदाधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम को शहर एवं समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र में पहुंचाने के लिए आगरा के कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसके तहत 42 इंटर कॉलेज एवं 62 कोचिंग सेंटर व महाविद्यालयों से संपर्क किया गया है। एबीवीपी का प्रयास है कि देश का हर नागरिक पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे और प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण करे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जिसकी सदस्यता 38 लाख है और आने वाले सत्र में हम लोग इस सदस्यता को बढ़ाकर 50 लाख करने वाले हैं। अपनी स्थापना 9 जुलाई 1949 से लेकर अब तक विद्यार्थी परिषद निरंतर छात्रों के बीच में छात्र समस्याओं को लेकर और देश से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। इस वर्ष 9 जुलाई को विद्यार्थी परिषद अपना स्थापना दिवस पूरे देश भर में जोर शोर से मना रहा है और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने आगरा में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम पर्यावरण को समर्पित है और इसीलिए एक बड़ी दौड़ स्पीड कलर लैब से प्रारंभ होकर आगरा कॉलेज तक जाएगी, जिसमें लगभग 2000 छात्र छात्राएँ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और शहर के महापौर इस कार्यक्रम को, इस रैली को रवाना करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर भर के जो विभिन्न इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, उसमें संपर्क किया है, छात्र छात्राओं को इस अभियान से जोड़ने का प्रयास किया है। इस रैली के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान में पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के जो एक भयानक खतरा है उससे जूझ रहा है। निरंतर जो वन का क्षेत्र है वो घट रहा है, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण से लगातार जो हमारे वृक्ष हैं वो कट रहे हैं, लेकिन अगर यही गति रही तो आने वाला समय निश्चित रूप से भयंकर होगा और उस समय शायद हम लोग कुछ करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। यदि आज हम परिवर्तन ला सकते हैं तो युवाओं के माध्यम से ही ला सकते हैं और इसलिए विद्यार्थी परिषद ने युवाओं को इस अभियान से जोड़ने का निर्णय लिया है। युवा इस रैली में दौड़ेंगे और ये संकल्प हम उनको दिलाएंगे कि कम से कम हर विद्यार्थी अपने आसपास जहां वो रहता है, जहां उसका कार्यक्षेत्र है, जहां विद्यालय है, वहां 2 पौधे न केवल रोपे बल्कि उनका संरक्षण भी करें। इस प्रकार का एक बड़ा अभियान पिछले वर्ष भी विद्यार्थी परिषद ने अपने स्थापना दिवस पर लिया था और लगभग 8152 पौधे पूरे आगरा शहर के अंदर रोपे थे, 5000 तुलसी के पौधे लगाए थे। हर पौधे के लिए 2-2, 4-4 पौधे के ऊपर एक वृक्ष मित्र की नियुक्ति हम लोगों ने करी थी और बड़ी खुशी की बात है कि बड़ी संख्या में वो पिछले वर्ष लगाए गए पौधे आज भी जिंदा हैं। आशुतोष मिश्रा, हृदय से मंत्री बिजबा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के नाते विद्यार्थी परिषद का दायित्व है कि समाज के अंदर देश के अंदर कभी भी समस्या आती है, उन समस्याओं को प्रमुखता उठाने विद्यार्थी परिषद का काम है। इस समय पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की बुरे दौर से गुजर रहा है। विद्यार्थी परिषद ने जब सोचा कि ये जिस तरीके से आने वाली समस्या ये है, पूरा विश्व के 90-10% देश जो विकसित हैं, वो देश के जो विकसित देश होने वाले हैं उन देशों को विकसित नहीं होने दे रहे हैं, क्या कार्यक्रम रखा है उन्हें नहीं दे रहे हैं। तो विद्यार्थी परिषद देश का छात्र संगठन होने के नाते देश के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के संदर्भ में याद रखते हुए
विद्यार्थी परिषद का मानता है कि हमारे देश का नाम सबसे अग्रणी भूमिका होना चाहिए। तो जब तक देश के अंदर हमारा पर्यावरण ठीक नहीं रहेगा, यहाँ के लोग ठीक नहीं रहेंगे, यहाँ पर नए नए आयाम शुरू नहीं हो पाएंगे, तो ये हम लोगों ने अभियान शुरू किया है। इस अभियान के माध्यम से हमने कॉलेज कैंपसों के अंदर 42 कॉलेज और 62 कोचिंग में संपर्क किया है, जिसके माध्यम से 2000 छात्राओं से हम लोगों ने फॉर्म भरवाए हैं। इसमें से हम सबसे बड़ी बात है कि 600 छात्राएँ इस कार्यक्रम में जुड़ने वाली हैं, और 9 जुलाई को सुबह 6:30 बजे संजय पैलेस से आगरा कॉलेज तक हम रन फॉर एनवायरमेंट, मतलब एक दौड़ पर्यावरण के लिए, समाज को एक संदेश देने के लिए निकाल रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।